क्या नाम है तुम्हारा? सुनील। पिताजी क्या नाम? राजपाल। रहने वाले कहाँ के? खजरिया नगर। आपके बहन को गोली लगी है, कहाँ इनकी शादी हुई है और क्या स्थिति है? ये महले में इनका ससुराल है और वहीं रहते थे अपने जो है फ्रेंड से। और ये जो कांड हुआ है पता नहीं क्या था क्या नहीं, इसकी मान के चलो डर था पता नहीं, कहते ये तो जानकारी नहीं है। तो फिर अगर जानकारी होती तो उसका कुछ करते, फिर हमें नहीं पता है। अभी रात का कांड था और हमें सूचना भी नहीं जल्दी मिली। अब आप लोगों क्या कहना है? हमारा क्या कहना है, अभी क्या कहना है, अभी तो हम आए हैं, देखते हैं, जान छियार करते हैं क्या हुआ क्या नहीं, क्या था क्या नहीं। कब शादी की थी बहन की? करीब 5-6 साल हो गए। जो ससुराल वाले कह रहे हैं वो है कि आपकी नज़रों में कुछ और है? ससुराल वाले जो कह रहे हैं कि तो हमें जानकारी है नहीं, हमारी नज़र में तो वो सही हैं और वो गलत बोल रहे हैं। जो वो बोल रहे हैं जिस तरह आप बता रहे हो वो गलत कह रहे हैं कि हमारी जानकारी जहाँ तक है वहाँ तक तो हम नहीं कह सकते। जानकारी है वही हम बताएंगे आपको और तो जान शेयर करेंगे इसका क्या है क्या नहीं। आपका कोई आरोप है ससुराल वालों? अब आरोप हमारा, हम तो घर पे भी नहीं थे, अभी 10 दिन हमें आए हुए हैं बाहर से और हमें पता नहीं था कुछ भी। अभी काफ़ी दिन से घर भी नहीं आई थी। क्या आपकी नज़रों में क्या जो गोली लगने से मौत हुई है वो कहीं संदिग्ध है क्या? तो इसका हमें अभी तो जानकारी नहीं है, हम जानकारी करके आपको बताएंगे फिर। उत्तरवाया क्षेत्र में घटना के संबंध में डिटेल बताएं। ये दिनांक 15/16 की रात को करीब 12:30 बजे एक सूचना प्राप्त हुई थी कि जो महलई ग्राम है मऊदरवाजा थाना क्षेत्र के अंतर्गत, वहाँ पर एक महिला की गोली मार कर हत्या की गई है। तुरंत से पुलिस फोर्स वहाँ पर पहुँचा, मेरे द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। जो मृतका शकुंतला 27 वर्ष जिनकी उम्र है उनको तुरंत से अस्पताल भेजा गया जहाँ पे कि डॉक्टर्स ने उनको मृत घोषित कर दिया। इसके बारे में जो जानकारी की गई तो उसमें जो इनका ग्राम महली में घर है उससे करीब 300 से 400 मीटर दूर पर इनके खेत पर ही झोंपड़ी है, वहाँ पर जो ये महिला है इनके ससुर, ये महिला अपने बच्चे के साथ सो रही थी। इनके ससुर के द्वारा जो चीज़ बताई गई है उसमें उन्होंने बताया है कि रात को करीब 12:30 बजे दो लोग वहाँ पर इनको दिखे और उसके बाद इन्होंने हल्ला मचाया और बाद में इनको गनशॉट की आवाज़ आई। बाद में जाकर देखा तो वहाँ पर आरा मशीन के पास में इनकी जो पुत्रवधू है वो पड़ी हुई थी। इसके संबंध में इन्होंने एक नामजद व्यक्ति के खिलाफ तहरीर दी है, उसके आधार पर उचित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इसके अंदर दो टीम लगाई गई है, जल्दी इस घटना का अनावरण किया जाएगा।